आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके द्वारा आप अपने चेहरे को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं और चेहरे की जो खूबसूरती है उसको भी बढ़ा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल और इजी रेमेडी से। और इसके अंदर हम कोई ज़्यादा इन्ग्रीडियंट यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल कम इन्ग्रीडियंट के द्वारा ही आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और उसको ग्लोइंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो स्किन के इशू है उनसे अपनी स्किन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले लेना है दूध। मैं दूध के बारे में आपको बता ही देती हूँ कि दूध हमारी स्किन के लिए एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। यह हमारी स्किन को इतना मतलब डेड सेल्स और डर्ट से फ्री कर देता है कि हमारी जो स्किन होती है वो नेचुरल तरीके से ग्लो करने लग जाती है। वैसे तो आप है जो कि अकेला जैसे कि दूध है इसको लगाने से भी अपनी स्किन को है जो कि ग्लो बना सकते हैं और साथ ही साथ हेल्दी भी बना सकते हैं। और यह काफ़ी अच्छा हमारे इस फेस के लिए एक क्लिंजर है और इससे हमारी जो स्किन के इश्यू हैं वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप इसको अकेला भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी काफ़ी अच्छे हैं जो कि रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप अकेला जैसे कि दूध यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो आपका जो मिल्क है वो बिल्कुल जैसे कि रॉ मिल्क है जो कि इसके लिए हमें यूज़ करना है। अगर क्या होता है कि अगर हम दूध को बॉयल कर देते हैं तो उसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हम कच्चा दूध है जो कि अपने फेस पैक या फिर जो हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं उसके अंदर हमेशा कच्चा दूध ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं जो कि बॉयल करने पर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उन्हीं सभी को जैसे कि न्यूट्रिशन लेने के लिए हम उसको कच्चा ही यूज़ करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और इससे हमारी जो स्किन होती है वो टाइट हो जाती है और जिससे आपकी त्वचा एकदम यंग दिखने लगती है। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये मिल्क होता है, मिल्क हमारी जो स्किन होती है इसके अंदर कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है। कोलेजन क्या काम करता है, कोलेजन जो होता है यह हमारी त्वचा को टाइट करता है, साथ ही साथ हमारी जो जैसे कि बढ़ती उम्र के जो लक्षण होते हैं उनको भी कम कर देता है, जिससे हमारी त्वचा और जिससे हमारी जो स्किन होती है एकदम यंग दिखती है और साथ ही साथ वो ग्लो करने लग जाती है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट हम इसके अंदर लेंगे हनी। हनी दोस्तों हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब इसे हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जैसे कि हमारी जो स्किन का पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो स्किन होती है दिन के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करती है जिसकी वजह से काफ़ी जैसे कि डर्ट होती है या पोल्यूशन हो गया, उसकी वजह से हमारी जो स्किन का पीएच लेवल होता है वो मेंटेन नहीं रहता। जब हम स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं शहद को, तो इससे हमारी जो स्किन का पीएच लेवल होता है वो मेंटेन हो जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो यह जब हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं हम इसको, तो इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी अमेजिंग होते हैं। तो इसलिए जब हम दूध को और जब शहद इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टियाँ मिलने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो और भी ज़्यादा जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो हम इसके अंदर जैसे कि एक चम्मच मैंने इसके अंदर दूध का लिया है और एक चम्मच ही हम इसके अंदर शहद का ऐड कर देंगे, और अभी आप देख सकते हो कि दूध का कलर है जो कि थोड़ा दूध का कलर है जो वाइट है, लेकिन जब हम इसके अंदर हनी ऐड कर देते हैं तो इसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाएगा। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो इसके अंदर है जो कि कलर थोड़ा सा येलोइश आ गया है, और ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। और अब हम इसके अंदर एक चुटकी है जो कि वो हल्दी डाल देंगे। हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि यह हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारी जो स्किन होती है जैसे कि
हमारी स्किन पर बैड बैक्टीरिया है जो कि वो हो जाते हैं, तो उनको किल करने में यह बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और साथ ही साथ हमारी जो स्किन का कलर कम्प्लेक्शन होता है उसको भी मेंटेन करने में यह हेल्प करती है और हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और यह रेमेडी जो कि बनकर तैयार हो चुकी है और अब ईजिली हम इसे अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथ पर भी, आप अपनी नेक पर जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और यह काफ़ी इफ़ेक्टिव और असरदार रेमेडी है जिसको आप इजीली और सभी है जो कि सभी स्किन टाइप वाले हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, जब जैसे कि हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है और अब चाहे तो आप कॉटन की सहायता से भी इसे अप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें ऐसे डैब डैब सी करके अपनी पूरी प्रॉपर स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। और प्रॉपर अप्लाई करना है और आईज़ पे भी अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप क्या कीजिए, अच्छे से पहले हमें मसाज करनी है 2 मिनट, जैसे कि प्रॉपर लगाकर अच्छे से मसाज कीजिए पूरी फेस की। और जैसे हम अपनी फेस की मसाज करते हैं अच्छे से प्रॉपर हर एक एरिया की मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद जैसे कि यह हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तब तक हमें थोड़ा इसकी मसाज करनी है। और आप इसकी अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद क्या है कि ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हमें दोबारा से फिर अप्लाई करना है इसको अपनी स्किन के ऊपर, अपनी पूरी स्किन को दोबारा से वेट कर लेना है और हमारी पूरी स्किन के ऊपर यह अप्लाई हो जाएगा। जब अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अब मैंने अप्लाई कर लिया है और अब इसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप अपने चेहरे को है जो कि प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। और दोस्तों मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हो मेरे चेहरे को काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और डर्ट सी मेरे चेहरे की बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव, और मैंने इसको खुद यूज़ किया है, मैं यूज़ भी करती हूँ इसकी, क्योंकि यह काफ़ी इफ़ेक्टिव है जो कि रेमेडी है। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इससे हमारे जो स्किन के इशू होते हैं, कील मुहासे हो गए, पिंपल्स हो गए और झुर्रियाँ हो गई जैसे कि चेहरे पर हो जाती हैं, और भी बहुत सारे जो इशू होते हैं उनको दूर करने में यह बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और इसको ज़रूर ट्राई करना और उसके बाद आपका जो भी रिज़ल्ट आता है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।